इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। और मेरी यहाँ की जिम्मेदारियों के साथ साथ पार्टी की जिम्मेदारियाँ वो भी मुझे साथ लेके चलनी पड़ती हैं और रस्ते बनानी पड़ा था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तेज पहुँच सकूँ बट फिर मुझे देर हो गई। अब मैं समझती हूँ कि आप सबने घरों को जाना है और घर जाके हांडी रोटी खिलानी, क्योंकि हांडी रोटी औरता नहीं करती, बंदे रहते नहीं ना करती। तो आप सब लोगों की बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। शाहदरा हमेशा PMLN का गढ़ है और तुम हमेशा मैं बल्कि सभी साहब को एक बार कह भी रही सी तो मैं हल्के चुना रही सर मैं क्या ये थी बुरा जो लोग जो ना वो सोने चुले जाते काम के उन्होंने इतने मसाइल ने, इतनी मुश्किल ने, इतने बुरे हालात ने, लेकिन फिर भी वो शेर में वोट पाते थे, फिर भी वो शेर के नाल खलोते रहे। और साड़ी बदकिस्मती है किसी दफा की जो मैं सभी साहब असी हल्के जाए सर और असी थोड़े नाल वादा किया कि इन शाला तला खैर खरीयत जोड़ा है वो एक बड़े इस्तकबाल के नाल पाकिस्तान बुलाइए वो हो गया। और हम इलेक्शन जोड़ा है वो जोड़े सानू कार्ड निकले सन वो आप ही मौके हैं और उन्होंने ना निशान जो लगता नहीं और अल्लाह पाक का इंसाफ है कि अल्लाह पाक परदे जी रहेगी लेकिन वो नाल हीरिया का कारोबार करेगी। तो असी असी अभी सियासत में की करना है, सियासत हो जी आम आदमी गरीब आदमी की जाए और वो हमेशा मुस्लिम लीग ने की है। अपनी भी नाले सुनावांगी और एक तरीका कार डिवेलप करांगे कि इलेक्शन टिकट किवें चलना है और फिर पोलिंग एजेंट्स का बहुत बड़ा काम है, तो पोलिंग एजेंट्स वाला काम भी इंशाल्लाह ताला करना है। तो थोड़ा सब का बहुत बहुत शुक्रिया जी मावा भैन बुजुर्ग ने वो दुआवा दो और थोड़े दुआवा की बहुत जरूरत है। जी लड़कियां हैं मुझे अच्छी लग रहा है बहुत यंगस्टर अच्छी लड़कियां ये जो कहते हैं ना यूथ हमारे साथ है उन्होंने घर होएगी मम्मी डैडी यूथ थोड़ी बहुत, लेकिन जो आम यूथ है जेडे आम यंग बच्चे ने बच्चिया ने पहले भी PMLN के नाल अज भी PMLN के नाल है। बस एक नारा ला के इंशाल्लाह ताला चाहते हैं और मैं खुद थोड़े को हाजिर होवांगी एक बार फिर मेरी बहन है तो सब ने बड़ी मेहनत की है। जो मेरे सामने है 2018 आज से 5 साल पहले भी मेहनत करने के बाद से हम तो जीत गए लेकिन हमारी पार्टी को हरा दिया। इसकी वजह से हम अपोजिशन में बैठे जो बहनों की अफवाह थी अपोजिशन में बैठने की वजह से क्योंकि गवर्नमेंट इमरान खान की बन गई तो हम अफवाह नहीं कर पाए। लेकिन अब जो पाकिस्तान का एक सियासी मंजर है उसमें ये नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी के बाद ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पंजाब में भी शेर की हुकूमत होगी। और जब मियां नवाज शरीफ की पंजाब और मरकज़ में हुकूमत होगी हमेशा जब भी वो वज़ीर आज़म बने उन्होंने इस मुल्क में महंगाई को भी कम किया है, इस मुल्क में लोगों के रोज़गार चले हैं उनके दौर में जहाँ पे नौजवानों को जो हमारे बच्चे हैं बच्चियां हैं उनको रोज़गार मिलेगा। इंशाल्लाह ताला दोबारा से वो दौर आने वाला है वही मियां नवाज शरीफ का दौर जिसमें लोगों के जैसे मैंने कहा कि कारोबार भी चलते हैं उनको रोज़गार भी मिलता है, महंगाई भी एक हद तक कंट्रोल में होती है। आपको याद होगा कि आज से 5 साल 6 साल पहले जब मियां साहब वज़ीर आज़म थे मेरी बहनें बूढ़ी होंगी मुझे याद है कि आटा 35 रुपये किलो था, आप शायद भूल गए मेरी बहनों को याद होगा कि मियां नवाज शरीफ जब और ये मैं 50 साल पहले की बात नहीं कर रहा, 60 साल पहले की कहानी नहीं सुना रहा, ये सिर्फ 5-6 साल पहले चीनी लेने जाते थे 50 से 55 रुपये किलो में। इसी तरह सब चीजों के मैं आगे रेट बताऊं तो 5-6 साल में ये तबाही हो गई। आज जो कीमतें हैं वो 2-3 गुना ज्यादा हो गई है, जिस चीज की कीमत 30 रुपए थी वो आज 60-70 रुपए
जो आपके बच्चे, आपके भाई, आपके शोहर मोटरसाइकिल पे पेट्रोल डलवाने जाते थे 5-6 साल पहले, तो 65 से 70 रुपए लीटर वो मोटरसाइकिल पे पेट्रोल डलवाते, आज 260 रुपए पेट्रोल। ये तबाही 5-6 साल में हुई है। हम इंशाल्लाह ताला अपनी बहनों को यकीन दिलाते हैं मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हम पुराना दौर वापस लाएंगे। जिन्होंने नया पाकिस्तान बनाना था उन्होंने तो नया पाकिस्तान तबाह, सारा पाकिस्तान तबाह किया। हम इंशाल्लाह ताला पुराना पाकिस्तान जिसमें महंगाई नहीं थी, इसमें इस हद तक गुर्बत नहीं थी, वो पाकिस्तान हम वापस लाएंगे मियां नवाज शरीफ की क़यादत में। ये मेरे चंद अल्फाज थे। यहाँ पे हमारी मियां साहब ने हुक्म दिया है कि हमने बाकी पार्टियों को भी साथ लेके चलना है, सब पार्टियों को। तो हमारी जो IPP एक नई पार्टी है उसके कायद है जनाब अब्दुल अलीम खान साहब, वो हमारे MLA के उम्मीदवार हैं जो मियां साहब ने उनकी अप्रूवल दी है, और मियां साहब ने MLA उस पार्टी को दिया है। अलीम खान साहब जिनका इंतखाबी निशान उकाब है, जिसे वो उमन बाज और हम शाहीन भी कहते हैं, और इस हल्के में अपना पाकिस्तान मुस्लिम नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है, और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि मियां नवाज शरीफ, मैं, मरीम नवाज, हम सब हमजा शहबाज शरीफ मिलकर इस कैंपेन को चारों तरफ लेकर जाएंगे। मेरी नज़र में यह इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगी। 2017 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो उस वक़्त वज़ीर आज़म थे, उनकी शबाना रोज मेहनत से पाकिस्तान तरक्की की तरफ तेज़ी से गामजन था। दिन रात बिजली के अंधेरों को ख़त्म करने के लिए काम हो रहा था। ज़राअत, सनत और हरफत को तरक्की दी जा रही थी। 20-20 घंटे के जो अंधेरे थे ख़त्म होने जा रहे थे, और आपने देखा कि 2017 के और 2018 के अवाइल में लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी थी। साकिब निसार जो कि एक मोरा था, उसके ज़रिए नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता ना उल्टा जाता, तो आज पाकिस्तान इन शदीद माशी चैलेंजेस में गिरा ना होता। आपने देखा कि उस दौर में ज़राअत ने भी तरक्की की, सनत व हरफत ने तरक्की की, और हमारा जो एनुअल GDP की ग्रोथ 6% से आगे चली गई थी, और सब अंदाजे ये थे कि अगले 5 साल में मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान को तरक्की के हवाले से बुलंदियों पर ले जाएंगे। इलेक्शन की आमद आमद है, और 8 फरवरी को इंशाल्लाह अवाम अपने वोटों के साथ फैसला कर देंगे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस जगह पर खड़ा होगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इंशाल्लाह इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए अपना हक इस्तेमाल करेंगे, और बहुत समझ बूझ के साथ माजी में झांकेंगे और मुस्तकबिल का एक नक्शा खींचेंगे, और इंशाल्लाह वही फैसला हम सबको काबिले कबूल होगा। एक बारी फिर, एक बारी फिर।